आर्मीज अनंग हसेओ, आप सभी जानते ही हैं कि हमारे बीटीएस के मेंबर भी पेरिस गए हुए थे, लेकिन रिसेंटली वो कोरिया वापस आ गए हैं। पर आर्मीज के आपको ये पता है कि जब भी कोरिया से वापस आए तब वो लाइव आए थे और वहाँ पर उन्होंने हम सभी इंडियन बीटीएस आर्मीज को एक काफी बड़ा गिफ्ट दिया है। यही नहीं बल्कि वी ने एक इंडियन आर्मी को रिप्लाई भी किया और उनका नाम भी लिया लाइव में। तो ये सब कुछ जानने से पहले कि वो आर्मी कौन है और वी ने हमें क्या गिफ्ट दिया, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो बीटीएस के मेंबर वी जब अपनी कार में बैठे हुए थे तो वो कुछ देर के लिए लाइव आए थे ताकि वो आर्मी से बात कर सके। पेरिस में जो भी दंगे फसाद चल रहे हैं उसके बाद वहाँ पर उनका शो कैंसिल हो गया था, जिसे सुनकर बीटीएस आर्मीज बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तो शायद इसीलिए वी लाइव आए थे ताकि आर्मी से बात कर सके और उन्हें बता सके कि वो एकदम अच्छे हैं। हालांकि सरप्राइज ये रहा कि इसी लाइव में एक इंडियन बीटीएस आर्मी ने कमेंट करके वी से बोला प्लीज से नमस्ते, जैसा कि एग्जैक्टली जंगकुक के साथ हुआ था। और हमारे वी ने उस कमेंट को पढ़ा और उन्होंने अलग से नमस्ते भी बोला। सही नमस्ते, नमस्ते। सही नमस्ते, नमस्ते। जैसा कि आपको याद होगा कि जंगकुक ने तो सिर्फ प्लीज से नमस्ते बोला था, अलग से नमस्ते नहीं कहा था, लेकिन वी ने अलग से नमस्ते भी बोला। और यही नहीं बल्कि इसके बाद एक और बड़ा सरप्राइज था, और वो ये कि जिस इंडियन बीटीएस आर्मी ने इस कमेंट को लिखा था वी ने उसका नाम भी लिया। वी ने बोला लव यू प्रतीक्षा। एक्चुअली वी इसे पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे से उस आर्मी का नाम प्रोनाउंस किया। काफी सारी इंडियन बीटीएस आर्मीज ने जब वी का ये लाइव देखा तो वो बहुत ही खुश हो गई थी। इवन मुझे भी बहुत ही सारे आर्मीज ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताया कि वी ने अपने लाइव में नमस्ते बोला है। इंडियन बीटीएस आर्मीज के लिए फिर से ये काफी बड़ा गिफ्ट साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले जंगकुक ने नमस्ते बोला था, उससे पहले सुगा ने अपने लाइव में इंडिया की बात करी थी और बताया था कि उनको बॉलीवुड मूवीज कितनी पसंद है। तो देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली बीटीएस के मेंबर्स इंडिया को मेंशन कर रहे हैं और इंडियन बीटीएस आर्मीज को नोटिस भी कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब वी ने किसी इंडियन आर्मी को रिप्लाई दिया हो। इससे जस्ट पहले जब वी ने वीवर्स पर रिप्लाई दिया था एक आर्मी को, तब भी वो एक इंडियन आर्मी ही थी, जहाँ पर उसने जंगकुक की एक फनी फोटो को पोस्ट किया था। तो बेसिकली देखा जाए तो हम इंडियन बीटीएस आर्मीज काफी लकी चल रही हैं, क्योंकि बीटीएस के मेंबर्स लगातार हमें देख रहे हैं, हमारे मैसेजेस को पढ़ रहे हैं। ये एक हिंट ये भी हो सकता है कि बीटीएस के लिस्ट में इंडिया टॉप में आ चुका है, शायद तभी वो इंडियंस को इतना ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। अब बस एक ही न्यूज बाकी रह गई है कि जल्दी से बीटीएस अपने इंडियन टूर और कॉन्सर्ट की अनाउंसमेंट कर दे, ताकि हम सभी बीटीएस आर्मीज उनसे मिल पाए और उन्हें बता पाए कि हम उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तो इंडियन बीटीएस आर्मीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि वी से नमस्ते सुनकर आपको कैसा लग रहा है। साथ ही साथ जिस लकी बीटीएस आर्मी का नाम वी ने लिया उसको भी काफी अच्छा लग रहा होगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।